इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी, मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो पहले जोर शोर से मध्य प्रदेश में किसानों के लिए लॉन्च की गई, फिर अचानक से वापस ले ली गई और अब एमपी में इस योजना की फिर से शुरुआत होने जा रही है। योजना है भावांतर भुगतान योजना। खरीफ 2018 में सोयाबीन, मक्का और केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली, तिल और राम तिल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता को देखकर एमपी सरकार ने इस योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एमपी के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। बीते साल राज्य के किसानों में सरकारी नीतियों के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिली प्रीमियम की राशि ने किसानों के जख्मों पर इस साल मरहम का काम किया है। खरीफ 2017 के लिए फसल बीमा योजना के तहत देश भर के किसानों को 15,181 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से एक तिहाई यानी 5,081.86 करोड़ की राशि का भुगतान सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों को किया गया है। इस योजना से राज्य के 16.37 लाख किसानों को फायदा हुआ है, यानी अगर एवरेज निकालें तो प्रति किसान करीब 31,000 रुपये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिले इस मुआवजे से किसानों के बीच राहत है और इस राहत को खुशी और संतुष्टि में बदलने के इरादे से राज्य सरकार ने किसानों के हित में भावांतर भुगतान योजना लागू की है। आपको बता दूं कि योजना मध्य प्रदेश में साल 2017 में ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन अचानक 6 महीने बाद इसे वापस ले लिया गया, ये कहकर कि कुछ ज़रूरी और बेहतर बदलावों के साथ इसे देश भर में फिर से लागू किया जाएगा। बहरहाल, राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले इस योजना पर फैसला लेकर इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। आपको शायद पता भी होगा कि ये योजना किसानों को उनकी मेहनत, उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने की है। देश भर में किसानों के बीच समय समय पर इस मुद्दे को लेकर खासा रोष देखा भी जाता है कि उनकी फसल को बाजार में वाजिब दाम नहीं मिल पाता, सरकार के तय नियमों पर उनकी फसल बिक नहीं पाती। कई बार तो किसानों को हताश होकर गुस्से में अपना उत्पाद सड़कों पर फेंकना पड़ता है। इसी को देखते हुए एमपी सरकार ने फैसला लिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर किसान की फसल बिकती है तो बाजार के दाम और एमएसपी के बीच का जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि भावांतर भुगतान योजना के तहत खरीफ 2018 में सोयाबीन, मक्का और केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली, तिल और राम तिल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी, जिसके लिए किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग ने फसलवार और जिलावार औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मानक तय किए हैं, जिसके मुताबिक मक्का 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तुअर 9 क्विंटल, उड़द 7 क्विंटल, मूंग 5 क्विंटल, सोयाबीन 13 क्विंटल, मूंगफली 20 क्विंटल, राम तिल 3 क्विंटल, तिल 7 क्विंटल का उत्पादन तय किया गया है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। यानी अगर एक किसान के पास इनमें से कोई भी फसल प्रति हेक्टेयर इतनी मात्रा से ऊपर है तो वो तय एमएसपी पर सिर्फ तय मात्रा ही बेच सकता है, उसके ऊपर से नहीं बेच पाएगा। लेकिन जैसे हर खबर के साथ सकारात्मक पहलू होते हैं, वैसे ही नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, जैसे इस खबर के साथ भी हैं। आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले यानी शनिवार से ये योजना लागू की गई, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भावांतर भुगतान योजना लागू होते ही एमपी की मंडियों में स्थिति बिगड़ने लगी है। जो सोयाबीन शुक्रवार तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही थी, इस योजना के लागू होते ही उसके दामों में 200 से 300 रुपये तक की गिरावट आई है।
कुछ जगहों पर तो व्यापारियों ने इसके जो रेट हैं 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक की बोली लगाई है। इसे लेकर रविवार को किसानों ने काफ़ी हंगामा मंडियों में किया, फसल बेचने से इनकार तक उन्होंने किया। दरअसल भावांतर भुगतान योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिन्होंने इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है। MP में ज़्यादातर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुए थे काफ़ी वक्त पहले, करीब 1.5-2 महीने पहले, और ये तय नहीं था कि भावांतर योजना कितने समय में दोबारा शुरू होगी। ऐसे में अचानक से योजना लागू होना उन किसानों के लिए घाटे का सौदा रहा जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। अब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके लिए मंडी में चाहे रेट गिरें या बढ़ें भरपाई हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया, मंडी में उत्पादन का भाव गिरना उन्हें भला कैसे गवारा होगा। और उसी का नतीजा रहा कि शनिवार रविवार दोनों दिन MP की मंडियों में बवाल मचा रहा। लेकिन भाजपा का मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही भावांतर भुगतान योजना पर निर्वाचन आयोग की तलवार अब लटकती नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश भर में निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ऐसी तमाम योजनाओं पर नजर रखे हुए हैं जिन्हें आचार संहिता लागू होने से कुछ समय पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में किसानों को मिल रहा भावांतर योजना का लाभ फिर से लटकने की आशंका दिख रही है। और अगर ये योजना जारी भी रही तो भी जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत नहीं कराया उनका असंतोष जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।